कोर्ट इट वाज अनफेयर डिसीजन. मैं मानता हूँ कि मैं डिजर्व नहीं करता था एविक्ट होना, बट आई गॉट एविक्टेड ऑन टॉप ऑफ अंकित, सुम्बुल एंड एमसी स्टैन. वो ऐसे लोग हैं जो घर में हैं और जिन्हें घर में नहीं रहना, जस्ट बिकॉज दूसरे की चमचागिरी करके यू स्टेइंग इन द हाउस, दैट्स नॉट माई पर्सनैलिटी. इसलिए आई गॉट एविक्टेड, बट इट्स गुड फॉर देम कि एटलीस्ट एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर बाहर गया और अब वो अपनी गेम खेल सकते हैं. आई थिंक ऐसा नहीं है. दी ओनली थिंग वॉज कि आई मेट हर इनसाइड एंड वी हैड अ बॉन्ड एंड वी शेयर्ड अवर फीलिंग्स एंड एवरी थिंग. लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं जो चीज़ ने थोड़ा सा मुझे बैकडाउन किया वो ये है कि सौंदर्य का लिटिल ओवर प्रोटेक्टिव नेचर टूवर्ड्स दी अदर कंटेस्टेंट फॉर मी. तो ऑफकोर्स उनका भी फॉल्ट नहीं है, क्योंकि सिचुएशन एलिगेशन इतनी लगी थी हमारे पे कि कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि अगर मैं वापस उनसे बात करूँगा तो वो चीज़ें ठीक नहीं होंगी, क्योंकि शायद एक वो डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं और मैं एक डिफरेंट बैकग्राउंड से था. आई नो हाउ टू हैंडल थिंग्स इन द इक्वेशन एंड एवरी थिंग. बट हाँ, कहीं ना कहीं उस चीज़ की वजह से मैंने दो तीन बार ट्राई भी किया, बट इट जस्ट बैकफायर्ड मी बाय सौंदर्य. बट ठीक है, द बेस्ट पार्ट इज आई डिडंट लूज माई सेल्फ 50 दिन के बाद भी. तो आई थिंक आई एम प्राउड अबाउट दैट. या वो ऐसा था कि यार वो चीज़ें हो चुकी थी और वो इतनी बड़ी हो चुकी थी कि देर वॉज नो बैक आउट आउट ऑफ इट. और वो एक अलग परसेप्शन बनती वापस चीज़ों को लेके, बट उनके साथ रहते हुए मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की उन्हें समझाने की चीज़ों को लेके, बट उनको कहीं ना कहीं चीज़ें उतनी समझ नहीं आई बिकॉज ऑफ हर नेचर और इमोशंस एंड एवरीथिंग, द केयरिंग नेचर टूवर्ड्स मी. वो नहीं समझ आई, क्योंकि एक चीज़ जब इतना बड़ा मुद्दा बन चुकी होती है तो आप उसमें बैकआउट नहीं कर सकते. वो ऑफकोर्स इट लुक्स वेरी स्टूपिड ऑन अ नेशनल टीवी. तो इसलिए आई वॉज ट्राइंग टू गो विद दैट इमोशन एंड फीलिंग फॉरवर्ड, बट या आई वॉज बींग स्टॉप्ड फ्यू प्लेसेस जहाँ पे मैं और कुछ कर सकता था, बट वो नहीं हो पाया. या मैं यही कहना चाहूँगा, आई नो यार यू गाइस आर वेरी डिसअपॉइंटेड, मी आल्सो आई एम वेरी शॉक्ड एंड डिसअपॉइंटेड, बट थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट यू गेव मी इनसाइड. अगर मैं वापस गया तो एक घायल शेर जब शिकार करता है तो वो तो पूरा जंगल घबराता है उससे, तो वही घायल शेर में हूँ. अगर मैं वापस गया तो घर वालों को पता है कि ये किस इंटेंशन से अंदर आएगा और ये क्या धमाल मचाएगा या किसके कपड़े फटेंगे, वो वेट रहेगा. बट या बहुत कुछ बदला बचा है लेने के लिए अभी, और आई थिंक अभी मैं बहुत क्लियर हूँ कि किससे क्या क्या बदला लेना है. और लोग खुशी मना रहे होंगे कि मैं चला गया, उनकी जो रियलिज्म था वो नहीं आ पाएगा बार, बट अगर मैं अंदर गया तो या थिंग्स विल बी डिफरेंट फॉर श्योर. थैंक यू, थैंक यू.